गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, माई सेल्फ मीनाक्षी सिंह। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेल। चिल्ड्रेन, आई विल डील योर हिंदी सब्जेक्ट। आई नो दैट ऑल आर फॉरगेट बेसिक नॉलेज, सो टूडे यू विल लर्न बेसिक्स। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार ईंट से ईंट जोड़कर भवन बनाया जाता है, उसी प्रकार ध्वनि से वर्ण, वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य बनते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए इसे अक्षर भी कहते हैं। उदाहरण, ई, क, प, आ, ध, म, ल, स आदि। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो अ से अह तक जो लिखे जाते हैं उन्हें हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, 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 री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। स्वर वर्ण 13 होते हैं। व्यंजन, व्यंजन क से क्य तक जो लिखे जाते हैं उन्हें हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। क से अंग तक क वर्ग हो गया, च से ञ तक च वर्ग, ट से मूर्धन्य तक ट वर्ग, त से न तक त वर्ग, प से म तक प वर्ग, य, र, ल और व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह, ये उष्म व्यंजन होते हैं। ख्य, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम स्वरों को बोलते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, तो मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है। इनकी संख्या 11 होती है और यह दो तरह से लिखे जाते हैं। पहला है मूल शब्द, दूसरा है मात्रा के रूप में। तो मूल शब्द जो हम लोग लिखते हैं तो वो अ से अह तक हो गया। अगर मान लो आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया गया कि स्वर वर्ण को मूल शब्द में लिखें, तो अ से अह तक आप लोग बिना किसी डाउट के लिख सकते हैं आप लोग। दूसरा है मात्रा के रूप में। मात्रा के रूप में है तो ये देखिए, आप लोग LKG या फिर UKG में आप लोग पढ़े होंगे कि अ, आ, ई, ई, मैम दे देती होंगी पूरा अह तक, उसके बाद उसका जो है मात्रा भी दिया जाता होगा और आप लोग को लर्न करना होता होगा मात्रा। जैसे अ की मात्रा नहीं होती है तो यहाँ डैश, आ की मात्रा होती है तो देखो किस प्रकार लिखना है, ई की मात्रा ऐसे और बड़ी ई की मात्रा ऐसे, ऐसे करके पूरा अंग तक रहेगा अह तक। उदाहरण के लिए ये देखिए, जैसे ये क्या है किसान और ये क्या है शरारती, तो किसान को हम लोग आराम से तो नहीं बोलेंगे किसान, किसान ऐसे तो नहीं बोलेंगे, किसान झटके से की बोलते हैं ना। तो ये क्या है, जिसे आप लोग छोटी ई की मात्रा बोलते हो इसे हम लोग हर से ई की मात्रा भी बोलते हैं। और ये क्या है शरारती, तो शरारती को हम लोग झटके से तो नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे दीर्घ ई की मात्रा ये लगी हुई है, तो हम लोग इसलिए इसको आराम से बोलते हैं। जैसे देखिए, जब आप अ, आ, इ, ई ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ना कि ई, ई ऐसे प्रोनाउंस नहीं करना चाहिए। उ, ऊ, ऊ को आराम से और छोटे वाले ऊ को, हर्ष ऊ को थोड़ा सा झटके में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। स्टूडेंट्स, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग अपने माइंड में सेट कर लोगे जो कि आपको हमेशा काम आएंगे। मुख से निकली ध्वनियाँ ही भाषा बनती हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर, व्यंजन। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है।
दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। स्वर वर्ण को हम लोग जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इनको बोलने के लिए हमें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं है। जैसे ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ छुपा हुआ अ आ ये स्वतंत्र होते हैं, और वही व्यंजन का जब उच्चारण करोगे तो क क में क्या छिपा है, अ ख ख में भी क्या छिपा है, अ। तो ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं स्टूडेंट्स। तो अच्छे से आप इसको प्रोनाउंस करके देखोगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को, और ये ध्यान में रखोगे अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, उष्म व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करूंगी। टिल दैट, थैंक यू।